कांग्रेस की कॉन्क्रीट गाय की पॉलिसी क्या है? क्या सरकार में आने के बाद कांग्रेस कोई गो रक्षा टैक्स लगाएगी या इसका प्रोविजन आर्थिक कहां से करेंगे? अगर आप हमारे जन घोषणा पत्र का पृष्ठ 5 देखें तो उसमें स्पष्ट तौर से किस प्रकार से गोरक्षा और वो सब मवेशी, यहाँ चाहे ऊंट हो चाहे बकरी हो, कई प्रकार के मवेशी किसान जो है उसके लिए वो पशुधन है, उनको किस प्रकार से बढ़ावा देंगे, हमने बाकायदा इस पर 16 बिंदु दिए हैं, मैं उसकी एक प्रतिलिपि आपको दूंगा। और जहां तक अब से पहले जो सेस लगा हुआ है, हम उसे क्यों हटाएं? हम उसे रखेंगे, परंतु उस सेस सरचार्ज का इस्तेमाल सीधा उन रजिस्टर्ड गौशालाओं में व्यवस्था बनाने, चारा देने, दवाई देने, उसके लिए करेंगे। आपने ये आंकड़े तो देखिए, बहुत सुंदर आंकड़े हैं 13 से 15 के, आप 8 से 13 के आंकड़े और ले आते ज्यादा जस्टिफाई होता। आदरणीय मित्र, मैं केवल ये आपको कहना चाहूंगा विनम्रता से, वो सरकार जिन्होंने 2013 में गोवंश से किया हुआ वादा से भी धोखा और छल कर दिया, ये मेरी गाय या तेरी गाय का प्रश्न नहीं। मैं अपने साहब के प्रश्न का जवाब भी फिर दूसरा लूंगा, ये मेरी गाय या तेरी गाय का प्रश्न नहीं, गोवंश मेरा भी है और तेरा भी और हम सबका भी। सवाल बड़ा ये है, सवाल है राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता या उनके द्वारा किए गए छलावे और विश्वासघात का। 2013 में बड़ा ढिंडोरा पीटा गया, आडंबर किया, स्वांग किया, और ये कहा 2013 के घोषणा पत्र में, आपके पास भी प्रतिलिपि है, मेरे पास भी है, वसुंधरा जी द्वारा 350 करोड़ रुपया दूंगी रजिस्टर्ड गौशालाओं को, 1750 करोड़ 5 साल में वो बनता है। मनरेगा के तहत गौशालाओं में मजदूरी के लिए इंतजाम करूंगी, और 22 वायदे किए मूक गोमाता से, गैया तो बोल नहीं सकती क्योंकि गैया की तो जबान नहीं, वो तो दूध दे सकती है, आशीर्वाद दे सकती है। जिसने मूक गैया से के भी 22 वादों पर पानी फेर दिया, इसीलिए 2018 के घोषणा पत्र में उनकी चर्चा भी नहीं की। क्या ऐसी सरकार पर राजस्थान की जनता विश्वास कर पाएगी, प्रश्न ये। एक नया प्रश्न जी सर, 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जी थी और उन्होंने कर्पात्री जी के जब आंदोलन चल रहा था गोरक्षा के लिए, हजारों उसमें साधु संत मारे गए थे, और आज आप बात कर रहे हैं 1966 हजारों, कोई बात, आदरणीय मित्र हैं, पूछ सकते हैं, बारी तो हुई थी, मानते हैं, आप पूछिए ना प्रश्न, पूछिए। आज आप उस बात करने के लिए गोरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, और वहीं केरल में आपके जो नेता हैं वो बहुत हंसी करते हैं। आदरणीय मित्र, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपकी बात से असहमत हूं क्योंकि वो तथ्यात्मक नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं कि केरल में जो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव लड़ा संसद का, तो उसमें हमने नहीं, भाजपा के उम्मीदवार ने सस्ता गाय मांस उपलब्ध करवाने का वादा किया। आप कहें तो मैं आपको उनका वीडियो भेज दूंगा, आप जरूर चलाएंगे अपने चैनल पर, मुझे उम्मीद है उसे फिर रखेंगे नहीं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में किरण रिजिजू साहब जब जाते हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो भिन्न भाषा बोलते हैं गोकशी को लेकर, और जब वो उत्तरी भारत में आ जाते हैं तो भाजपा रंग बदल जाते हैं। परंतु मैं उस छीटा कशी में भी नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल आपसे ये कहूंगा, राजस्थान का चुनाव हो रहा है, राजस्थान में 22 वादे 2013 में मूक गोमाता से किए, उनसे छल और विश्वासघात हुआ, और वो भी नहीं, 35,000 गोवंश सरकार की लापरवाही से मर जाए,
वादा भी मत पूरा कीजिए वसुंधरा जी, मोदी जी, क्योंकि वादा तो पूरा आप करते ही नहीं। पर 35,000 गोवंश सरकार की लापरवाही से मर जाए और आपके कान पर जू तक नहीं रहेंगे। जो आपकी सरकारी गौशाला का स्टॉक रजिस्टर है वो जीरो दिखाए, जीरो, और करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। जो गाय का चारा है वो 10 किलोग्राम किताबों में दिखाया जाए, उसका पैसा सरकारी खजाने से लूट लिया जाए, और जिन गाड़ियों में चारा आया वो मोटरसाइकिल और स्कूटरों के पाए जाए, और इसीलिए एसआईटी की जांच पूरी ना करवाई जाए, और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद न टिन शेड बनवाए जाए ना बाड़े। वातानुकूलित कमरों के लिए नहीं कहा था, और उसके बाद भी गोसेवा के नाम पर वोट का मेवा का चढ़ावा आपको दे दिया जाए, इसलिए जवाबदेही तो मांगी जाएगी। सर, सवाल ये है, चुनाव पूरा प्रचार हो गया, आखिरी दौर में आया राम मंदिर और गो मुद्दे पर भावनात्मक खेल खेला जा रहा है क्या? चुनाव के साथ उससे पहले ये मुद्दा उठाना देखा जाए। आपका सवाल वाजिब है और मैं आपको साधुवाद दूंगा उसके लिए। मंदिर, मस्जिद, गोत्र, धर्म, वर्ण, क्षेत्रवाद, उसकी राजनीति भाजपा करती है। आप याद करिए, मैंने मेरे ख्याल से 1 दर्जन बार आपसे पिछले 1.5 महीने में बात की होगी, नहीं तो 10 बार जरूर की। हर बार राजस्थान की भूमि से जुड़ा मुद्दा, वो 13.7% बेरोजगारी हो, वो 1950 रुपए क्विंटल वाला बाजरा 1200 रुपए में पिटा हो, वो 3257 रुपए क्विंटल लहसुन की कीमत की बजाय 200 रुपए क्विंटल मिली हो, वो 12 बलात्कार और अनाचार हमारी बेटियों और बहनों के साथ राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री होते भी वो भी हो रहे हैं वो हो, वो 42% स्कूलों में आज बिजली ना हो और 58% स्कूलों में कंप्यूटर ना हो, हमने वो सार्थक मुद्दे उठाए हैं। वो कर्ज से दबा किसान हो, आत्महत्या की ड्योढ़ी पर खड़ा खेत मजदूर हो, हमने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं जो जनता से जुड़े हैं। गोवंश राजस्थान की भूमि के संस्कार और संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमने केवल आपके माध्यम से आज ये प्रयास किया कि राजनीति में समाज से बहुत जुड़े मुद्दे उठे, पर मैंने कहा कि शायद ऐसा मार्मिक और दर्दनाक मुद्दा कभी अब तक संपूर्ण संज्ञान में ना आया हो, और इसीलिए हमें ये लगा कि ये मामला आपकी कलम की धार के माध्यम से पाठकों तक जाना आवश्यक है। ये विभाजन या भावना का विषय नहीं, ये संस्कार और संस्कृति का विषय है जो हमारी मूलभूत धारणा से जुड़ी है। सर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैज यूज्ड डेरोगेटरी लैंग्वेज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज मदर टुडे, सो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट इवन आफ्टर राहुल गांधी क्लियरली सेड इन सीपी जोशी एपिसोड एंड इन इवन पोखरण रैली दैट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड? I have not seen his statement, but I can say one thing straight away. I wish you had also mentioned Union Minister Mahesh Sharma and asked me a question on that. I will not even use the gutter language that he used as a Union Minister for Congress President and the Congress Party. Why is it that media feels shy and scared of showing the absolutely derogatory, gutter and dirty and filthy language that Bharatiya Janata Party union ministers are using for Congress President and the Congress Party? We will hold ourselves accountable to your standards, I assure you, my friend. And any Congress leader, whether it is Malviya ji or anyone else, has no right to speak any kind of questionable words about Prime Minister or his family, including his honorable mother. We will not accept it, we will not tolerate it. You know that Shri C.P. Joshi is one of the most seasoned leaders of the Congress Party in Rajasthan and in the country. When
ही नोइंगली और अनोइंगली गेव ए रिमार्क्स विच नेवर रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर बट टू ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. He only said she belongs to a particular caste. The remark was also not derogatory. But Rahulji said, no, we will not do the politics of caste or religion or varna or regional divisions. Hum jati, gotra, dharam ki rajniti nahi karenge, desh aur Rajasthan ki rajniti karenge unke muddon ki. और इसीलिए आई वॉन्ट टू गिव ए क्लियर कट एडवाइस एंड ए स्टर्न वार्निंग टू ऑल कांग्रेस लीडर्स. डू नॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ बीजेपी. भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर मत गिर जाइए. वो गाली देंगे. प्रधानमंत्री ही गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. काश आप कल के प्रधानमंत्री के बयानात के बारे में भी और उससे पहले जो उन्होंने कहा उनकी गाली गलौज की भाषा के बारे में भी सोचते. जिनके मुखिया ही गाली गलौज करते हैं उनके नेता तो करेंगे. भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री इस प्रकार की अभद्र गंदी भाषा का इस्तेमाल करें और मीडिया के साथ ही उसे या प्रदेश के लोग उसे कभी मंजूर नहीं करेंगे. मुझे विश्वास है मीडिया के साथ ही भी नहीं करेंगे. तो इसलिए राजनीति में भाषा की शालीनता और व्यवहार की शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी.